गुड मॉर्निंग थ्री क्लास हाउ आर यू आई होप यू आर गुड टेक आउट योर बुक्स ऑफ मैथ्स ओपन योर बुक्स पेज नंबर वन नाइनटी नाइन अवर न्यू टॉपिक इज पैरामीटर पैरामीटर इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स मीन्स जो पैरामीटर है वो ग्रीक वर्ड है जो टू वर्ड से मिलकर बना है टू वर्ड्स कौन कौन से हैं पेरी मीन्स अराउंड एंड मेट्रॉन मीन्स मयर पैरामीटर एक ग्रीक वर्ड है जो टू वर्ड से मिलकर बना है वो दो वर्ड्स हैं जिनसे कंबाइन होकर पैरामीटर बना है एक वर्ड है पैरी मींस अराउंड एंड मेट्रॉन मींस मैयर सो फर्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर इज इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी शेप मीन्स जो पैरामीटर हमारे पास किसी भी शेप की जो बाउंड्री होगी ठीक है उसकी टोटल लेंथ वो हमारे पास होगा पैरामीटर अब हम कह रहे हैं पैरामीटर जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है अब वो शेप जो है हमारे पास वो रेक्टेंगल भी हो सकती है स्क्वेयर भी हो सकती है और ट्राइंगल भी हो सकती है अंडरस्टैंड पैरामीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी शेप अब देखो जिस तरह से हमारे पास रेक्टेंगल है रेक्टेंगल की जो हमारे पास शेप होती है उसकी फोर साइड्स होती हैं ठीक है उस फोर साइड की हम लेंथ करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल का पैरामीटर आ जाएगा इसी तरह स्क्वायर है स्क्वायर की भी फोर साइड्स होती हैं हम फोर साइड्स की लेंथ करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर आ जाएगा सेम इसी तरह ट्राए की थ्री साइड होती हैं हम उसकी थ्री साइड को मैयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पैरामीटर ऑफ ट्राएंगल क्लास लेट सी एग्जाम्पल एग्जाम्पल वन हम फाइंड करेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल में एस यू नो वी हैव फोर साइड्स वन टू थ्री एंड फोर अब हम अपनी किसी भी शेप का जब हम पैरामीटर फाइंड करने लगेंगे तो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड कर लेंगे जैसे मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि मेरा जो स्टार्टिंग uh, पॉइंट है वो ये है ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट ये है मीन्स फर्स्ट हमारे पास लेंथ हो जाएगी ए बी देन हम मूव करेंगे अपवर्ड मतलब कि सेकेंड लेंथ हो जाएगी बी सी देन हमारे पास हो जाएगी सी डी एंड देन डी ए हम वन बाय वन जो है इन लेंथ की जो है वो लाइन सेगमेंट की से लेंथ फाइंड करेंगे एंड देन उन लेंथ को ऐड कर देंगे अब फर्स्ट जो हमारे पास लेंथ लाइन सेगमेंट होगी ए बी इक्वल्स टू एट सेंटीमीटर तो हमने लिख दिया एट सेंटीमीटर इसी तरह नेक्स्ट टाइम हमारे पास बी सी इक्वल्स टू फोर सेंटीमीटर तो हमने लिख दिया बी सी इक्वल्स टू फोर सेंटीमीटर नेक्स्ट टाइम हमारे पास सी डी एट सेंटीमीटर सी डी इक्वल्स टू एट सेंटीमीटर लास्ट है डी ए इक्वल्स टू फोर सेंटीमीटर डी ए इक्वल्स टू फोर सेंटीमीटर नेक्स्ट स्टेप में हमने इन सारी जो लेंथ हमारे हमारे पास आ गई हैं हमने इनको ऐड कर देना है वी एड ऑल दीज लेंथ ए बी इक्वल्स टू एट सेंटीमीटर बी सी इक्वल्स टू फोर सेंटीमीटर सी डी इक्वल्स टू एट सेंटीमीटर एंड डी ए इक्वल्स टू फोर सेंटीमीटर एट प्लस फोर एंड देन प्लस एट प्लस फोर इन अब फोर लेंथ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल होगा ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर सो पैरामीटर इज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर अब रेक्टेंगल ए बी सी डी इसका क्या मतलब है ए बी सी डी मीन्स हमारा जो रेक्टेंगल है उसको हमने उसका लेबल है उसका नेम है ए बी सी डी बिकॉज हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था रेक्टेंगल का वो ए था और एंडिंग पॉइंट डी था ठीक है और बीच में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं ए बी सी डी डेट्स वाई हमारे जो रेक्टेंगल का जो लेबल है या नेम आप उसको कह लो वो हमारे A, B, C, है हमारे पास ए बी सी डी अंडरस्टैंड क्लास नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल टू पैरामीटर ऑफ स्क्र एज वी ऑल नो स्क्र है मीन्स जो हमारे पास एक साइड की जो लेंथ होगी वही रिमेनिंग थ्री साइड्स की भी लेंथ होगी डेट्स वाइफ हर आपको जो फोर साइड नजर आ रही हैं वो सारी फोर सेंटीमीटर हैं फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर एंड फोर सेंटीमीटर अब हमारा जो पैरामीटर जब हमने स्टार्ट फाइंड करना स्टार्ट करना है तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा हमने अपने स्टार्टिंग पॉइंट डिस्ट करना है सो so, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है क्यू क्यू हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ठीक है अब हम लेंथ जो है वो मुहैया करना स्टार्ट करते हैं क्यू आर इक्वल्स टू फोर सेंटीमीटर क्यू आर इक्वल्स टू फोर सेंटीमीटर नेक्स्ट है हमारे पास आर टी आर टीवल टू फोर सेंटीमीटर हमने लिख दिया आर इक्वल टू फोर सेंटीमीटर नेक्स्ट है हमारे पास टी एस इक्वल टू फोर सेंटीमीटर टी एस इक्वल्स टू फोर सेंटीमीटर एस इक्वल टू एस क्यू इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर एस क्यू इक्वल्स टू फोर सेंटीमीटर नेक्स्ट है हमारा हमने अपनी जो फोर लेंथ आ, आ जाएंगी हमारे पास हमने उनको ऐड करना है वी फोर प्लस फोर प्लस फोर एंड प्लस फोर अब जब इन फोर टाइम्स हम फोर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिक्सटीन सेंटीमीटर नेक्स्ट हम लिख देंगे द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्यू आर टी एस इज सिक्सटीन सेंटीमीटर जिस तरह से हमने लास्ट एग्जांपल में रेक्टेंगल को नेम दिया था ए बी सी डी इसी तरह मैंने स्क्वेयर का भी अपना नेम दे दिया है क्यू आर टी एस क्यू आर टी एस अंडरस्टैंड जिस तरह से हम लोगों ने रेक्टेंगल का फाइंड किया था इसी तरह हम लोगों ने स्क्वायर का भी पैरामीटर फाइंड कर लिया है बिकॉज रेक्टेंगल की भी फोर साइड थी और स्क्वायर की भी थ्री साइड थी तो उसमें भी हमारे पास फोर लेंथ थी इसलिए यहाँ पर भी हमारे पास फोर लेंथस हैं अंडरस्टैंड क्लास नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर थ्री पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एस यू नो ट्राइंगल है वही हमारे सारे स्टेप्स होंगे जो हमने लास्ट टू एग्जाम्पल्स में फॉलो किए हैं फर्स्ट हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करना होता है सो so हमने डिसाइड कर लिया नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं अपनी जो लेंथ होती हैं, उनको मैयर करते हैं सो लेट स्टार्ट द मैर लेंथ एक्स वाई इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर सो हम लिख देंगे एक्स वाईक्वल्स टू थ्री सेंटीमीटर नेक्स्ट मूव करेंगे वाई जेड इक्वल्स टू फोर सेंटीमीटर वाई जेड इक्वल्स टू फोर सेंटीमीटर एक्स जेड टू फोर सेंटीमीटर एक्स जेड एक्स इज टू फोर सेंटीमीटर एंड हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें हमारे पास जो भी लेंस आ गई हैं हमने उनको ऐड करना होता है तो so, इसी तरह मैंने इसमें भी अपनी जो लेंस है उनको ऐड कर लिया है थ्री सेंटीमीटर प्लस फोर सेंटीमीटर प्लस फोर सेंटीमीटर इक्वल टू इलेवन सेंटीमीटर नेक्स्ट हमने होता है अपना लेबल देना है अपनी जो शेप है उसको या अपने नेम देना होता है तो so, इसका क्या नेम होगा यस yes, इसका नेम होगा एक्स वाई जेड ठीक है the parameter of triangle xyz is 11cm i hope class you understand how to find parameter of any shape for more understanding you have to do more examples so goodbye 3 class have a good weekend